नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास ट्वेल्थ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो बिहार बोर्ड ने नेट पे जारी किया गया है। उन सभी प्रश्नों को हम लोग हल करना सीखेंगे आसानी से। तो ये हमारा सब्जेक्ट मैथ्स है, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ये हमारा वीडियो का पार्ट नंबर वन है और मॉडल सेट नंबर वन चल रहा है। अभी मैं आपको 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन अच्छी तरह से बता चुका हूँ। यदि 1 से 40 तक प्रश्नों का सोल्यूशन अच्छी तरह से आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल आइडियल स्टडी पॉइंट पर अवश्य विजिट करें और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख लें। तो चलिए, ये हमारा वीडियो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कितना है? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 41 बोला गया है। ठीक है, जे का इसका क्या बोल रहा है, परिमाण निकालना है। ठीक है, मोड बोला गया है, यानी परिमाण पूछ रहा है। तो परिमाण कैसे निकालते हैं? तो जे में क्या कुछ नहीं सटा है, तो 1 है ना, तो आप 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं। तो इसलिए इसका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। तो इसलिए इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए 42 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मोड आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर का आपका मोड निकालना है। तो इसका निकालने के लिए क्या, इसमें 1 सटा, इसमें 1 सटा, इसमें 1 सटा है, तो इसका मोड निकालेगा। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 1 1 3, यानी √3 आ रहा है कि नहीं। इसलिए इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, √3। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्नों को देखते हैं। तो ये देखिए हमारा 43 नंबर क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पे आई वेक्टर इंटू जे वेक्टर बराबर क्या होगा। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि आई वेक्टर इंटू जे वेक्टर, यहाँ पे आई आई रहता है तो यहाँ पे 1 हो जाता है, लेकिन आई और जे, यानी कि आई और यहाँ पे जे दूसरा हो गया ना, इसका अगर डॉट निकालते हैं ना तो इसका डॉट क्या होता है, 0 होता है। इसको याद रखिएगा, आपका इसका उत्तर क्या होगा, 0। अगर यही आई आई कहता तो यहाँ पे 1 मार सकते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्नों को देखते हैं। बोला कि निम्न में कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य आपका बोला गया है। तो देखिए इसमें जे इंटू जे आई होगा, ये तो नहीं होता है। ए क्रॉस ए बराबर 0, यहाँ ये सूत्र होता है, ए क्रॉस ए बराबर 0। क्रॉस वाला जब आप सदिश गुणनफल पढ़ेंगे ना तो उसमें आपका ए क्रॉस ए बराबर एक सूत्र मिलेगा, आपको 0 होता है, ये बात सत्य है, इसलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वाई अक्ष की दिक कोसाइन है। देखिए तो वाई अक्ष पर लेगा तो क्या होता है, एक्स वाई और जेड तीन को होता है ना। तो यहाँ पे वाई पर कह रहा है, यानी वाई का मान या कुछ नहीं छिपा है तो 1 हो रहा है ना, तो 1, और ये है ही नहीं तो ये नहीं है, यानी 0, ये भी नहीं है 0, यानी कि वाई है तो यहाँ पे 1, यानी 0 1 0 कहाँ पर है। देखिए ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना आपको, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए ये अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या कहा जा रहा है कि यदि 2 सरल रेखाओं की दिक कोसाइन आपका LMN और L1 M1 N1 L2 M2 N2 हो तो वे परस्पर लंब होगा तो क्या होगा, कौन सा सूत्र होगा। तो लंब जब भी दर्शाता है तो ये तो समानांतर दर्शा रहा है ना, ये भी नहीं हो सकता। ये देखिए लंब यानी L1 N2 L2 M1 N2 M2 और N1 N2 N2 बराबर 0, लंब जब भी दर्शाए तो L1 L2 M1 M2 N1 N2 बराबर 0 होता है, तो इसलिए इसका उत्तर कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्नों को देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि यदि एक रेखा के दिक अनुपात -18, -12, -4 हो तो दिक, इसकी दिक को जाएँ क्या होगा, दिक को साइन निकालना है, ये ऑप्शन ए नंबर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए अगला, ये बी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ आपको करके। तो आपका दिक अनुपात के ही अनुसार दिक को जाएँ निकालते हैं। तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, -18 है, -12 है, -4 है, तो ये इतना बटा -18 का स्क्वायर √ में +12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपका सोल्यूशन, यानी कि आपका इस तरह से हो जाएगा -18 बटा में यही ना 3 था, 18 12 -4, -18 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 18 बटा -18 बटा, फिर उसके बाद दूसरा कितना था 12, फिर यही हो जाएगा नीचे लग जाएगा, फिर तीसरा कितना था -4, इसमें भी लग जाएगा, तीनों को मैंने लिख दिया। अब इसको कैलकुलेशन करिएगा, 18 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो देखिए कितना आ रहा है, इसको जोड़िएगा ना कैलकुलेशन करके स्क्वायर करके, तो आपका कितना आएगा, 484, इसका भी 484, इसका भी 484 जाएगा। ठीक है, अब इसको 484 का वर्गमूल निकालिएगा, 22, इसका भी 22, इसका भी 22, और इसको काटिएगा ना तो 18 का 9 11 का 22 का 11,
और इस 12 का 6 हो गया, इसका आधा 11 हो गया, इसका हाफ 2 हो गया, इसका हाफ 11 हो गया, यानी माइनस 9 बटा 11, 6 बटा 11, माइनस 2 बटा 11। देखिए कौन सा ऑप्शन है, यानी कि इसमें ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तलो एक्स टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर प्लस 8 बराबर 0 है, और दूसरा एक्स प्लस वाई प्लस 2z माइनस 14 बराबर 0 है, तो के बीच का न्यून कोण निकालना है। तो देखिए मैं इसको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसमें क्या, यहाँ पे इसका मान जो होता है, इसमें देखिए क्या है, आपका 2 लगा है, इसमें कितना है 1 है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, तो 2 एकम 2, देखिए यहाँ पे 2 एकम 2 प्लस सूत्र में होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या है माइनस 1 और यहाँ पे 1, यानी माइनस 1 गुने 1, और यहाँ पे देखिए जेड में क्या है 1 है, और यहाँ पे जेड में क्या है 2 है, तो 2 गुने 1 1 गुने 2 प्लस लगा लिए सूत्र में, ये सूत्र होता है a1 a2 b1 b2 c1 बटा c2, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर। ठीक है, a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर ये हमने लगा दिया था। यहाँ पे देखिए a1 कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इसमें हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे नीचे मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अब इसको सेटिंग कर दिया, 2 एकम 2 हो गया, माइनस 1 हो गया और प्लस 2 एकम 2 हो गया, और नीचे इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 1 5 1 6, इसमें भी 6 हो जाएगा, और √6 में √6 तो 6 हो गया, और इसको करिएगा 4 में से 1 घटेगा कितना आएगा 3, और काटिएगा 1/2, और ये देखिए 1/2, और ये कितना 1/2 कितना का मान होता है, तो साइंस कॉस 60 का मान होता है, कॉस से कॉस कट गया, थीटा का मान कितना आ गया आपका 60 डिग्री आया कि नहीं, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा 60 डिग्री। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, आपका सी दिख रहा है कि नहीं, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब अगला प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए 49 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से उद्देश्यीय फलन है, उद्देश्यीय फलन जो है ये एक्स का जो मान है 0 से 12 या बराबर, ये भी उद्देश्यीय फलन होता है, और ये 0 से 12 या बराबर आपका, ये भी आपका वाई को दर्शा रहा है, ये भी उद्देश्यीय फलन है, और ये जेड पर आपका अधिकतमीकरण यानी अंतिमीकरण किया जाता है एक्स प्लस वाई का मान, ये भी आपका उद्देश्यीय फलन है, तो इसमें सभी हो जाएगा। इसका उत्तर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। इस पर ट्रू फॉल्स चेक किया जाता है, इस पर भी ट्रू फॉल्स चेक किया जाता है, तो हमको किस साइड माने मूल बिंदु से अपोजिट साइड में छायांकित करना है कि आपका मूल बिंदु की साइड में छायांकित करना है, तो ये LLP पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, इसलिए इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, LLP चैप्टर पढ़िएगा आप 12th में, तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्यवरोध नहीं है, कौन सा ये आपका, देखिए ये दे रहा है विरोध, आपको देखना है व्यवरोध, तो इस पर तो चेक किया जाता है ट्रू फॉल्स। ठीक है, LLP चैप्टर में, और यहाँ पे देखिए 2x + 3y आपका क्या बोल रहा है, 2x + 3y बड़ा है किससे, 5 से छोटा या बराबर, इसमें क्या बात बोल रहा है कि जेड बराबर 7x + 3y, और इनमें सभी, तो इसका उत्तर बे अवरोध जो होता है आपका, इसमें उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इस पर आपका अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण चेक किया जाता है जेड का मान निकाल करके। ठीक है, और इस पर ट्रू फॉल्स निकाला जाता है, तो इसमें बे अवरोध जो होता है ये तो अलग हो रहा है, इस पर इसी पर चेक किया जाता है, ये तो अवरोध है बे अवरोध है, तो ये बे अवरोध नहीं है, यानी कि जेड बराबर 7x + 3y, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे साथ बने रहिए। चलिए अब अगला पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।